हेलो फ्रेंड्स, आज हम 36 इंच का ब्लाउज पेपर पे कट करके बताएंगे। इसके लिए हमारी तैयार लेंथ है इसकी 14 इंच। 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे तो हमारा हो गया 15 इंच। फिफ्टीन इंच पे निशान लगा के स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम इसका लेते हैं शोल्डर। शोल्डर है हमारा 11 इंच। 11 इंच का हाफ हुआ 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं। अब इसका आर्म होल भी हम 5.5 इंच पे लेंगे। फिर स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम इसका लेते हैं चेस्ट साइज। चेस्ट साइज है 36। 36 का फोर्थ साइज हुआ 9 इंच। एक निशान हम 9 इंच पे लगाएंगे और 2 इंच हम इसमें मार्जिन का एक्स्ट्रा लेंगे। स्केल से सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। वन पॉइंट फाइव इंच पे एक निशान लगा के इसके आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। गोलाई में शेप दे देंगे। अब हमारा नीचे का है 32। 32 का हाफ हुआ फोर्थ साइज 8 इंच। एक 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ हम प्लीट डालेंगे। इसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। ये हमारा हो गया बैक पार्ट। गला लेंगे इसका हम 2 इंच। और लंबाई लेंगे इसकी 10 इंच। नीचे से हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच इसके लिए रखा है ऊपर से, जिससे कि ये गला शोल्डर ना उतरे। स्केल से सीधी लाइन करके गोलाई में शेप दे देंगे। यहाँ से हम 4 इंच पर यहाँ पर हम प्लिप्स डालेंगे। लंबाई लेंगे 4.5 इंच। स्केल से सीधी लाइन खींच लेंगे।
हाफ हाफ इंच दोनों साइड से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक इंच की हमारी प्लेट पड़ेगी बैक साइड पे। ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अभी हम इसको कट कर लेंगे। अब हमने ये बैक पार्ट कट कर लिया है, अब हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो इसके लिए हमें नीचे से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए सेम ऐसे ही निशान लगा लेना है। आर्म होल का साइज लगा लेंगे। शोल्डर का निशान लगा लेंगे। अब साइड से हम ऊपर की साइड हम एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे की साइड हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। स्केल से सीधा खींच लेंगे। गला लेंगे इसका भी 2 इंच, 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और लंबाई लेंगे इसकी 6 इंच। फ्रंट का गला है ना, इसके लिए 6 इंच और नीचे से चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और गोलाई में शेप दे देंगे। वो आपके ऊपर है, आप कैसा भी डिजाइन रखें। अब हम ऊपर से लेंगे 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। नीचे से लेंगे हम 3 इंच। स्केल से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा प्रिंस कट का शेप है, यहाँ से हम प्रिंस कट का शेप देंगे। ऊपर से 5 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर की तरफ, आर्म होल की तरफ, और इसको सीधा ड्रॉ कर पॉइंट से पॉइंट मिला देंगे। नीचे की साइड हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और लंबाई लेंगे इसकी भी 2 इंच। और इस पॉइंट से हम थोड़ा शेप दे देंगे। ये हमारा हो गया प्रिंस कट। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कट के लिए हम एक पेपर लेते हैं, उसको फोल्ड कर लेते हैं।
स्लीव्स की लेंथ रहेगी हमारी 10 इंच, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, तो हमारी लेंथ हो गई 11 इंच। 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई लेंगे हम 9.5 इंच पे। और एक निशान लगाएंगे। और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आगे से हम लेंगे इसका मोहरी 7 इंच। ऊपर की साइड से हम 3 इंच इसमें कम करके 2 इंच ऐस लंबाई में लेके लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फिटिंग वाला साइज है और इसको गोलाई में शेप दे देंगे। इसको गोलाई में शेप दे देंगे। अभी हमारा स्लीव्स हो गया, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने इसकी स्लीव्स कट कर लिया है। अब हमारा ब्लाउज पूरा कट हो गया है। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कपड़े पे रख के दिखाते हैं।